अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, रेमडी पैक, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मीन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे उसकी पेशगोई कर सकते हैं, यानी हमने ये बताना है कि रिएक्शन किस हद तक जो है वो कम्प्लीट हुआ है, कि उसमें रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं या प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हुए हैं। आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन करें, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो है वो 13, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीन अद्धी वैल्यू है, वो हमें बताती है कि किस हद तक रिएक्शन पहुँचा है, उसकी पेशगोई है। इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है टू विच एक्सटेंट, किस हद तक रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। इन फैक्ट इट मेजर, हकीकत में ये नाप करता है हाउ फार रिएक्शन प्रोसीड बिफोर इक्विलिब्रियम स्टेट, कि ये हमें बताते हैं कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। अब उसके लिए क्या है जी, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, यानी अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा है, अद्धी वैल्यू बड़ी है, तो फिर हमें क्या पता कि रिएक्टेंट्स किस हद तक जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो उसमें हमने देखना है कि रिएक्टेंट्स टोटली कन्वर्ट हुए हैं या स्मॉल में हुए हैं, कितने हुए हैं, उसको हमने वेरीफाई करना है। द लार्ज जो वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट, के सी की वैल्यू बड़ी बताती है दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, के उस मिक्सचर के अंदर तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स हैं, एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, और रिएक्टेंट्स की मिकदार ना होने के बराबर है। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन, इसका मतलब है कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, मीन All reactants are converted into products. For example, oxidation of carbon monoxide goes to completion at 1000 Kelvin. Carbon monoxide की oxidation हो रही है, temperature है 1000 Kelvin. 2CO plus O2, carbon monoxide है, oxygen है, oxygen add हो रही है, तो addition of oxygen is called oxidation. 2CO2 carbon dioxide बन गई। के सी की वैल्यू है 2.2 मल्टीप्लाई 10^22, मीन बहुत बड़ी वैल्यू है के सी की, इट्स मीन जो है वो रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीट, मीन आर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। दूसरी कंडीशन है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, उसी के अपोजिट है अब कंडीशन। अब जब के सी की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल है, इट्स मीन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, बहुत कम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में, इट्स मीन रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की ना होने के बराबर है। वेन के सी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, इट इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टेब्लिश विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन, बहुत कम मिकदार में तब्दीली हुई है ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, बहुत कम मिकदार में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स, यानी तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स हैं, बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट की मिकदार ना होने के बराबर है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, और ऐसा रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता। 2NH3 अमोनिया है, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, N2 बन रहे, प्लस 3H2 हाइड्रोजन बन रहे। के सी की वैल्यू है 3 × 10^-9, यानी के सी की वैल्यू बहुत छोटी है, इसमें रिएक्शन जो है वो क्या हुआ है, रिएक्टेंट्स जो वो प्रोडक्ट्स में बहुत कम मिकदार में कन्वर्ट हुए, रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की ना होने के बराबर है। तीसरी कंडीशन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, अब के सी की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी है, सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार तकरीबन बराबर है, कंपेरेबल अमाउंट तकरीबन बराबर है। फॉर एग्जाम्पल N2O4, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, के सी की वैल्यू है 0.211। अब देखिए वो रिएक्शन हमें बता रहे हैं, इट इंडिकेट दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, यानी N2O4 की डिकम्पोजिशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, एंड कंबाइनिंग ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म N2O4 ऑलमोस्ट कंपेयर अबाउ
टू ईच अदर, यानी इसमें N2O4 और NO2 इन दोनों की मकदार तकरीबन जो है वो बराबर है। तो दैट एक्सप्लेन दी प्रिडिक्शन दी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।